हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन का भरता, जो कि हम फ्राई करके बनाने वाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राउंड शेप के कट किए हुए पटाटो यानी आलू और बैंगन ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट किया है। तो अभी हम यहाँ पर एक पैन पे तेल लेंगे और वो गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पहले बैंगन को फ्राई होने के लिए। हम पटाटो और बैंगन को अलग अलग फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंगन फ्राई कर रहे हैं। भरता हम जेन्युइनली खाते हैं जो बन करके, तो ये जो है हम फ्राई करके बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, ये थोड़ा ऑयली होता है पर ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे हम निकाल लेंगे। अभी हम यहाँ पर आलू को डाल देंगे फ्राई होने के लिए और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब ये आलू हमारा हल्का हल्का फ्राई हो गया है, मतलब कम्प्लीटली फ्राई हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं फ्राई करके, तो इसमें हम डाल देंगे अनियन और धनिया पत्ता। मैं यहाँ पर एक अनियन ले रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून। उसके बाद लेमन जूस, ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद करी पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जो करी पाउडर है हमारा। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से और ये हमारी भरता रेडी हो गई है। तो इसे अभी हम प्लेट पे सर्व करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।